हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक जंक्शन प्राइम पर। और देखिए, मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये ब्लूटूथ स्पीकर है रोनिक्स RX555D। ये आपका पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है। ये आप देख सकते हैं 5 रंगों में अवेलेबल रहता है। और ये TWS है। TWS दैट मीन्स के सेम ऐसा ही स्पीकर अगर आपके पास दूसरा होगा तो एक ही ब्लूटूथ डिवाइस से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों स्पीकरों को एक साथ बजा सकते हैं। और देखिए, ये कुछ फीचर्स मेंशन किए हुए हैं इसके बॉक्स पर। और मैंने ब्लूटूथ स्पीकर ये ब्लू कलर का ऑर्डर किया है और ये सील लगी हुई है टेस्टेड ओके की। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके ऊपर, प्राइस मेंशन नहीं किए हुए हैं। मेड इन चाइना है ये। तो दोस्तों, इसे देना करते हुए जल्दी से ओपन करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और देखिए, ये हमारा स्पीकर बाहर निकल आता है। ये देख सकते हैं आप, ग्लॉसी फिनिश में ब्लू कलर का स्पीकर मैंने ऑर्डर किया था। इसके साथ ये माइक्रो USB मिलती है, पुराने वक्त की। एक डोरी है जो इसमें पड़ी हुई है, इसे आप हैंग कर सकते हैं स्पीकर को। और ये टॉप में देख सकते हैं कुछ बटन्स दिए हुए हैं, साइड में एक स्टिकर लगा हुआ है, मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है इस पर। ये आपका मोड बटन है और सेकंड पर प्ले पॉज। और ये आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे, यहाँ से आप टाइम वगैरह को सेट कर पाएंगे। बैक में चलते हैं तो सबसे पहले आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है, फिर उसके बाद आपको चार्जिंग स्लॉट मिलता है, TF कार्ड यानी कि आप इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे और यहाँ पर आप अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर पाएंगे। और ये चार्जिंग इंडिकेशन है। पीछे की तरफ दो स्पीकर दिए हुए हैं और नीचे की तरफ ये फोम पैड दिए हुए हैं, इससे आपका स्पीकर स्लिप नहीं करेगा। साइड में बेस को प्रोवाइड करने के लिए ये देखिए, यहाँ से आपको बेस प्रोवाइड कराई गई है। स्पीकर दोनों ही साइड में सेम चीज दी हुई है। काफी भारी भरकम स्पीकर है। स्टिकर हटा लेते हैं यहाँ से। और ये देखिए, फ्रंट में भी ग्लॉसी फिनिश है। डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वजनी बहुत है तो इसको, वजनी है तो हम इसका वज़न कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना वज़न है। 460 ग्राम, बहुत ज़्यादा वजनी स्पीकर है। तो आई थिंक साउंड भी इसका बहुत ही शानदार होना चाहिए। जल्दी मैं इसको आपका साउंड सुनाता हूँ और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए साइड से कुछ काफ़ी खूबसूरत स्पीकर है, अच्छा लग रहा है। ये मैंने ऑन कर लिया है। ये देखिए डिस्प्ले आ जाता है यहाँ पर। ये डिस्प्ले ब्लिंग इसलिए कर रहा है कि वीडियो की वजह से। और यहाँ पे देखिए, आपको टेम्परेचर मिलेगा, ये आपको सेट करने के लिए चैनल मिलेंगे। यहाँ पे सारे चैनल को आप FM के सेट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे ब्लूटूथ का इंडिकेशन आ रहा है, ऊपर वॉच आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ मिस लग रही है मुझे, यूज़र मैनुअल इसमें मुझे नहीं मिला है। तो देखिए, ये मैंने मोबाइल से इसे सेट कर लिया है, RX555D करके यहाँ पर आ गया है। और फॉरेन पेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर पेयर हो जाता है और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर चार्जिंग की बात करें तो ये 4 घंटे से ऊपर चार्जिंग टाइम ले लेता है चार्ज होने में। और अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो डिस्प्ले भी साथ में चलेगा और साउंड भी इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है इसमें। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो आप टॉप में मोड देख रहे हैं, ये सबसे पहले बटन से आप मोड चेंज करेंगे, आपका ये ब्लूटूथ मोड आ रहा है। उसके बाद जब मैं दबा दूंगा तो ये FM मोड आ जाएगा। और यहाँ पर आपको FM को सेट करने के लिए थोड़ी सी आपको ये प्ले पॉज वाला बटन है, यहाँ पे इसे दबाना पड़ेगा। और देखिए, सारे के सारे चैनल अपने आप ही हो जाएंगे। ये देखिए, ऑटोमेटिक सारे चैनल खुद ब खुद ये सर्च कर लेगा FM के। FM के गाने सुनने के लिए आपको इसके पीछे USB केबल लगानी पड़ेगी जो आपको एंटीने का काम करेगी। तो यहाँ से चैनल सेट हो जाने के बाद प्लस और माइनस से हम उसके चैनल को आगे और पीछे करेंगे। ये देखिए, चैनल बज रहा है, ये दूसरा चैनल आ गया, ये तीसरा चैनल आ गया। इस तरीके से आप FM यूज़ कर सकेंगे।
अब मैं आपको मोबाइल से कनेक्ट करके ब्लूटूथ के थ्रू आपको साउंड इसका सुनाता हूँ। काफी लाउड म्यूजिक सुनने को मिलता है आपको। ये मेरे पास टीएफ कार्ड है, इसे मैं लगा देता हूँ। टीएफ कार्ड इसमें लगाते ही जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक टीएफ कार्ड के गाने प्ले हो जाएंगे। ये देखिए, वेलकम टू रूनिक्स। और प्लस माइनस से आप इसके गानों को ये आप देख सकते हैं। ये सॉन्ग्स आपके आगे पीछे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप टीएफ कार्ड का मजा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीएफ का, जब मैंने टीएफ कार्ड लगा दिया है तो टीएफ यहाँ पर लिखा हुआ आगे। अब बात करते हैं इसका टाइम सेट करने के लिए। तो टाइम सेट करने के लिए आपको प्लस और माइनस और ये आपका सेट बटन, इसके थ्रू आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। अगर मैं टाइम सेट करने के लिए आपको बताता हूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो कोई भी इस स्पीकर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। आपको ये स्पीकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक जंक्शन प्राइम। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।